नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी अपने बयान पर कायम राहुल गांधी की, यूपी कांग्रेस में पड़ी फूट की, जानेंगे कि दिल्ली में किसे मिलेगी कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान, महाराष्ट्र में शिवसेना की किसने बढ़ाई परेशानी और आखिर में बात विकास दर पर आई बुरी खबर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के सोलापुर में कांग्रेस और एनसीपी पर बरसे अमित शाह, कहा बीजेपी असहाय लोगों की मदद करती है जबकि दूसरी पार्टियां सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देती हैं। उत्तराखंड में सत्ताधारी बीजेपी में बगावत तेज, पार्टी ने 10 दिन में 96 नेताओं को पार्टी से किया बाहर, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का लगा है आरोप। हरियाणा में कांग्रेस को एक और झटका, पूर्व मंत्री जसवंत सिंह भी बीजेपी में हुए शामिल, जसवंत सिंह बोले पार्टी नहीं बदली बल्कि घर वापसी की है। बम्पर डिस्काउंट दे रहे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की बढ़ी मुश्किलें, एफडीआई नियमों के कथित उल्लंघन पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया तलब, कहा कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सप्लायर को खास रियायत नहीं दे सकता। जीएसटी संग्रह में कमी से सरकार चिंतित, जांच के लिए सरकार ने बनाई समिति, सितंबर में जीएसटी संग्रह घटकर 91,916 करोड़ रुपए हुआ। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस में जारी घमासान के बीच राहुल गांधी की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ पार्टी में बिखराव के हालात बने हुए हैं तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी के उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी में राहुल मानहानि केस का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते आज सूरत कोर्ट में उनकी पेशी हुई। तो आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव की गर्मा गर्मी में नेताओं ने विरोधी दल पर जमकर शब्दों के बाण छोड़े, एक दूसरे की कमियां गिनाई, मगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम को लेकर टिप्पणी की तो सियासी गलियारों में कोहराम मच गया और राहुल पर मानहानि का केस दर्ज किया गया। स्थानीय भाजपा नेता पूर्णेश मोदी की ओर से राहुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद कोर्ट ने समन जारी किया, जिसके चलते आज सूरत की अदालत में राहुल गांधी की पेशी हुई। सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी से सवाल किया कि आप पर जो आरोप लगे हैं क्या वो आपको कबूल हैं? इस पर राहुल गांधी अपने बयान पर कायम रहे और कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। इसके बाद राहुल गांधी के वकील की ओर से सुनवाई के लिए तारीख मांगी गई तो कोर्ट ने 10 दिसंबर की नई तारीख दे दी। साथ ही राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला की ओर से याचिका दायर की गई कि राहुल गांधी को अब सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रहने की राहत दी जाए। कोर्ट ने इस पर भी अगली सुनवाई 10 दिसंबर को रखी है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान मंच से राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों होता है। इस पर सूरत कोर्ट में केस दर्ज किया गया था। गुजरात में राहुल के खिलाफ मानहानि के 3 मुकदमे चल रहे हैं। राहुल की पेशी के दौरान कांग्रेस नेता अहमद पटेल और शक्ति सिंह गोहिल भी यहां पहुंचे। पटेल ने कहा कि उन्हें कोर्ट ने तलब किया है और इसलिए वो यहां आए हैं। कानून को अपना काम करने दीजिए, हम देखेंगे कि कोर्ट कब तक फैसला लेता है, जज जो कहेंगे वही किया जाएगा। वहीं अब राहुल गांधी को कल 11 अक्टूबर को भी एक और मानहानि केस में अहमदाबाद की एक अदालत में पेश होना है। राहुल गांधी को अब इन मानहानि केसों से कब तक राहत मिलती है और अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है ये देखना होगा। मानहानि मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन बावजूद इसके राहुल अपने बयान पर कायम हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस में नई जान डालने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रदेश इकाई में कई बदलाव किए थे ताकि संगठन को मजबूती दी जा सके, मगर अब इन बदलावों को लेकर पार्टी में ही घमासान मच गया है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, क्योंकि पार्टी यहां अपनी परंपरागत सीट बचाने में भी कामयाब नहीं हो पाई और अमेठी पर बीजेपी का कब्जा हो गया, जिसके बाद से पार्टी में उठापटक का दौर जारी है, जिसे थामने के लिए महासचिव प्रियंका गांधी लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके अपने ही नेता उनके किए पर पानी फेर रहे हैं। हाल ही में संगठन को मजबूती देने और विरोधियों को परास्त करने के लिए प्रियंका ने अपनी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव किए, मगर पार्टी आलाकमान के इन बदलावों को लेकर कुछ नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है और यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिराज मेहंदी तो नई टीम के ऐलान से इस कदर भड़के कि उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। सिराज मेहंदी ने पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है। पत्र में सिराज ने शिया समुदाय की कांग्रेस में हो रही उपेक्षा का मुद्दा उठाया, साथ ही सोनिया गांधी से अपना इस्तीफा कबूल करने की मांग की। वहीं जैसे ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को इस्तीफे की जानकारी मिली तो वो फौरन एक्शन में आई और 12 अक्टूबर को यूपी कांग्रेस की
बैठक बुलाई। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को ही यूपी कांग्रेस की नई कमेटी का ऐलान हुआ, जिसमें राज बब्बर की जगह अजय कुमार लल्लू को यूपी कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ 4 उपाध्यक्ष, 12 महासचिव और 24 सचिवों की घोषणा की गयी। यूपी कांग्रेस की नई टीम में जमीनी और युवा नेताओं को प्रमुखता दी गयी है। अब पार्टी आलाकमान इस अंतर्कलह से कैसे निपटती है, ये देखना होगा। उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन में बदलाव कर प्रियंका सोच रही थी कि इससे पार्टी मजबूत होगी, मगर यहां तो कांग्रेस का एक कदम उस पर ही भारी पड़ गया। वहीं यूपी के बाद अब कांग्रेस दिल्ली में भी अहम फैसले लेने जा रही है। खबर है कि शुक्रवार को कांग्रेस के दिल्ली के नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि खबर है कि कांग्रेस कल यानी शुक्रवार को दिल्ली के नए अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। पिछले 80 दिनों से खाली पड़े इस पद को भरने के लिए कांग्रेस में कई दिनों तक बैठकों का दौर चला, जिसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगने की खबर सामने आ रही है। अध्यक्ष पद की इस रेस में 9 लोगों के नाम आगे चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस रेस में अजय माकन का नाम सबसे आगे है। जेपी अग्रवाल, अरविंदर सिंह लवली और सुभाष चोपड़ा भी मजबूत दावेदार बने हुए हैं। 3 कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव, राजेश लिलोठिया और हारून यूसुफ का नाम भी चर्चा में है। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और कीर्ति आजाद को भी कमान मिल सकती है। माना जा रहा है कि नामों में से कल किसी एक नाम का ऐलान संभव है। आपको बता दें कि दिल्ली के अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया गांधी लगभग 50 नेताओं से चर्चा कर चुकी है, जिसमें जिला अध्यक्ष से लेकर सभी बड़े नेता शामिल है, मगर अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बैठकों का ये सिलसिला थमता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर ये नियुक्ति बेहद अहम है। तो देखना होगा कि दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान किससे मिलती है। वहीं देखने लायक तो महाराष्ट्र का चुनावी रण भी है, जहां बाकी राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ने में लगे हैं। सूबे में अभी तक कांग्रेस और एनसीपी में ही ऐसा देखने को मिल रहा था, मगर अब शिवसेना में भी बगावत तेज हो गई है। शिवसेना से नाराज 26 पार्षदों और 300 कार्यकर्ताओं ने अब पार्टी का साथ छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट बंटवारे से शिवसेना के कई कार्यकर्ता नाराज थे, इसलिए दशहरा रैली के दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि समझौते की वजह से बीजेपी की तरफ शिवसेना की कई सीटें चली गई, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं और आपका साथ चाहता हूं। लेकिन लगता है कि उनकी ये माफी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रही, तभी तो कल्याण विधानसभा सीट से पार्टी के 26 पार्षद और 300 विधायकों ने अब शिवसेना का साथ छोड़ दिया है। सभी ने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये लोग विधानसभा चुनाव के लिए हुए सीटों के वितरण से नाखुश हैं। कल्याण के स्थानीय शिवसेना नेता नाराज हैं कि पार्टी ने उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी गणपत गायकवाड़ का समर्थन करने को कहा, जबकि शिवसेना के नेता कल्याण पूर्वी सीट से धनंजय बोडारे को उम्मीदवार बनाना चाहते थे, मगर शिवसेना ने बीजेपी से समझौते में ये सीट गंवा दी, जिसके बाद अब स्थानीय नेताओं ने बोडारे का समर्थन करने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे लेकर बागी नेताओं ने अहम मीटिंग बुलाई थी, जहां गायकवाड़ की बजाय बोडारे की मदद करने का फैसला लिया गया। वैसे ये हाल शिवसेना का ही नहीं है, बीजेपी में भी बगावत के सुर काफी बुलंद है, क्योंकि पार्टी ने इस बार कई दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए हैं, जिसे लेकर ये नेता पार्टी को आग दिखा रहे हैं। ऐसे में ये बगावत दोनों पार्टियों को भारी पड़ सकती है। महाराष्ट्र में जहां शिवसेना अपनों के निशाने पर है, तो वहीं बिहार एनडीए के बीच तकरार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। बीजेपी और जेडीयू में जारी बयानबाजी के बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को नसीहत दी है। तो क्या कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी पारा गर्माने लगा है। जब से जेडीयू ने नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर प्रचार शुरू किया है, उस वक्त से ही जेडीयू अपनी सहयोगी बीजेपी की आंखों में खटकने लगी है, जिसे लेकर बिहार एनडीए में सियासी कोहराम मचा हुआ है और विपक्ष इस तकरार पर तंज कस रहा है। मगर अब इस बयानबाजी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी कूद पड़े हैं और उन्होंने बिहार एनडीए को चेताया है। साथ ही नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को नसीहत भी दी है। स्वामी ने कहा कि बिहार में बीजेपी बड़ा भाई है, इसलिए जेडीयू को छोटा भाई बनकर रहना चाहिए। राज्यसभा सांसद ने कहा कि अगर जेडीयू को बिहार में अपनी राजनीति बचानी है, तो उसे छोटे भाई की भूमिका में रहना होगा। देश भर में लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं और इस लहर के बीच बिहार में भी अब भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को 2020 का विधानसभा चुनाव जीतना है, उन्हें भाजपा के साथ दूसरे नंबर की पार्टी की भूमिका में रहना होगा। इसके साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने जेडीयू को चेताते हुए कहा कि अगर जेडीयू अकेले चुनाव लड़ता है, तो उसकी स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी।
इसके अलावा स्वामी ने कहा कि नीतीश कुमार को पता करना चाहिए कि बीजेपी के नेता किस कारण से नाराज हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की नीतीश सरकार पर होती तल्ख टिप्पणी का भी समर्थन किया और कहा कि वो स्पष्टवादी नेता हैं। दशहरे के मौके पर मंच पर नीतीश के साथ बीजेपी नेता के शामिल नहीं होने पर भी प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी ने कहा कि बिहार में जल जमाव होने पर नीतीष कुमार की खासी आलोचना हुई। विषम स्थिति को देखते हुए कुछ दूरियां जरूर बढ़ी हैं। शायद इसी को देखते हुए दशहरे के दौरान पार्टी का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। अब सुब्रमण्यम स्वामी की इस नसीहत पर जेडीयू का क्या स्टैंड होगा, ये देखना बाकी है। बिहार एनडीए में पहले ही तनातनी तेज थी कि वहीं अब सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान ने जेडीयू खेमे में हलचल बढ़ा दी है। इसी तरह निजीकरण की तरफ लगातार कदम बढ़ा रही मोदी सरकार भी एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ सकती है। खबर है कि मोदी सरकार तेजस के बाद अब 50 रेलवे स्टेशनों और 150 ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार ने जब अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट का ऐलान किया तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के निजीकरण की बात कहकर सियासी पारे को गर्मा दिया था। विपक्ष के साथ साथ रेलवे कर्मचारी भी सड़क पर उतर आए थे, मगर बावजूद इसके अब मोदी सरकार ने रेलवे के निजीकरण की तरफ और कदम बढ़ा दिए हैं। खबर है कि निजी ट्रेन तेजस के बाद अब मोदी सरकार 50 रेलवे स्टेशनों और 150 ट्रेनों को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है और इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन विनोद कुमार यादव को एक पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि रेल मंत्रालय ने पैसेंजर ट्रेनों के संचालन के लिए निजी ट्रेन ऑपरेटरों को लाने का फैसला किया है और पहले चरण में 150 ट्रेनों को उसके तहत लेने का विचार कर रहा है। वहीं 50 रेलवे स्टेशनों के निजीकरण के बारे में बताया जा रहा है कि अमिताभ कांत ने इसे लेकर रेल मंत्री से विस्तार से बात की है। कांत ने कहा कि इन प्रोजेक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के सदस्यों, इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड सदस्य, ट्रैफिक रेलवे बोर्ड को एक समूह में शामिल होना होगा। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी और दिल्ली से लखनऊ के बीच दौड़ने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को देखकर सरकार इस कदर गदगद है कि अब 150 ट्रेनों को निजी हाथों में सौंप रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी विकास दर पर आई बुरी खबर की। आर्थिक मोर्चे पर एक के बाद एक बुरी खबर सामने आ रही है जो केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ा रही है और तमाम विपक्षी दल सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। अब रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी मोदी सरकार का मूड बिगाड़ दिया है। जी हाँ, RBI के बाद मूडीज ने भी भारत की ग्रोथ रेट घटा दी है। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद गदगद मोदी सरकार ने 5 जुलाई को अपनी नई पारी का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े बड़े दावे किए, जिसमें एक दावा था देश को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का। लेकिन सवाल ये है कि ये सपना आखिर कैसे पूरा होगा जब देश की GDP में लगातार गिरावट आ रही है। जी हां, रिजर्व बैंक के बाद अब रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ग्रोथ रेट घटाकर 5.8% कर दिया है। पहले इसका अनुमान 6.2% था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 8% तक GDP ग्रोथ रेट की जो संभावना थी उसको निवेश आधारित सुस्ती ने कमजोर किया है। इसके अलावा मांग में कमी, ग्रामीण घरों पर आर्थिक दबाव, उच्चतम बेरोजगारी दर और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के पास कैश किल्लत जैसी समस्याओं ने आर्थिक सुस्ती की समस्या को और गंभीर कर दिया है। आपको बता दें कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार घटकर 5% पर पहुंच गई थी। ये पिछले 6 सालों का न्यूनतम स्तर है। इसके साथ ही मूडीज ने अपनी रिपोर्ट के चलते चेतावनी दी है कि अगर अर्थव्यवस्था में सुस्ती जारी रहती है तो इसके कई गंभीर परिणाम होंगे। इसकी वजह से राजकोषीय घाटा कम करने की कोशिश को झटका लगेगा, साथ ही कर्ज का बोझ भी बढ़ता जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को बूस्टर देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का ऐलान किया था। इस घोषणा की वजह से सरकारी खजाने पर सालाना 1.5 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। मूडीज के मुताबिक इस छूट की वजह से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे का आंकड़ा GDP के 3.70% पर पहुंच सकता है। हालांकि सरकार ने राजकोषीय घाटे का अनुमान 3.30% रखा है। सिर्फ मूडीज ही नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान 6.8% से घटाकर 6.1% कर दिया है, जो मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए DB Live। नमस्कार।